इंडियन ब्रांड का फोन है, अच्छा फोन है, ये तारीफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्योंकि अग्नि 2 लावा को कंपटीशन से बहुत आगे कर देता है, तो आई बिलीव आपको कमी भी पता होनी चाहिए। तो तारीफ की जगह तारीफ और कमियों की जगह कमी दोनों बता देंगे। डिजाइन से शुरू करते हैं। डिजाइन सच में काफी बढ़िया है। ये 20-22 हज़ार वाला डिजाइन लगता नहीं है, ये इजिली 31 हज़ार के आसपास वाला फोन लगता है। एक अच्छी ग्लास बैक है और कलर भी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन थोड़ा स्लिपरी है, आई वुड से केस आप लगा के रखना। एंड एक चीज जो मेरे को नोटिस हुई, इसके पावर बटन में एक छोटी सी दिक्कत है। जैसे ये वॉल्यूम बटन की आवाज सुनो, बढ़िया कट कट कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये पावर बटन सुनो, कोई कट कट नहीं कर रहा ये। लेकिन अगर मैं अपने नेल से थोड़ा सा जुगाड़ करूं तो अब सुनो, सही हो गया ना। अब ऐसे ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे नोटिस हुई तो मैंने आपको बता दी। और ये सिर्फ मेरी यूनिट में ही है या सब में है वो मुझे भी नहीं पता। अब अगर हम बैक पैनल से फ्रंट पे आए तो ये एक 6.78 इंच 10 बिट 120 हर्ट्ज वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन पे किसी भी तरह की कोई पन्नी वन्नी आपको नहीं दिखेगी, स्क्रीन प्रोटेक्टर अलग से लगाना पड़ेगा। इन जनरल स्क्रीन बढ़िया है, लोग मानते नहीं है कि ये लावा के फोन की डिस्प्ले है, लेकिन इस स्क्रीन के साथ मुझे 3 इश्यूज दिखे हैं। एक तो इस डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो एक्स्ट्रा शार्प हैं। चाहे आप सेटिंग्स में जाके विविड को ऑफ भी कर दो तो भी कलर्स ओवर कॉन्ट्रास्टी हैं। और ये चीज आपको नोटिस होगी कंटेंट देखते टाइम, नॉर्मल यूसेज में आपको इतना पता नहीं लगेगा, बाकी 2-4 दिन में आपको आदत भी हो जाएगी, फिर नॉर्मल लगने लगेगा। दूसरी दिक्कत है ब्राइटनेस वाली, जो कि काफी लोगों को आ रही है। ब्राइटनेस अपने आप ही बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। जब आपको फिंगरप्रिंट स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी तो ये डिस्प्ले को एकदम से ब्राइट कर देगा। एंड इवन मैनुअल ब्राइटनेस भी कोई बहुत सही से काम नहीं कर रही। ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स की जा सकती है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, अगर आप स्क्रीन पे कोई भी डार्क कलर स्कीम वाला कंटेंट देखते हो तो आपको स्क्रीन में बेंडिंग नजर आएगी। अब आई एम नॉट श्योर इसको बेंडिंग ही कहते हैं, बट एक बार देखो आप। जैसे ये मेरी लास्ट वीडियो है और इसमें मेरे लेफ्ट और राइट साइड में देखो कैसे वियर्ड से सर्कल्स बन रहे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम 15,000 वाले सैमसंग A14 को रखें तो उसमें भी ये इफेक्ट दिखेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इसमें चीजें ओवर हो रही हैं। तो डिस्प्ले में मुझे ये 3 दिक्कतें दिखी हैं। बाकी ये HDR वगैरह सपोर्ट करता है, अभी के लिए सिर्फ यूट्यूब में ही है, नेटफ्लिक्स और प्राइम पे नहीं है। और इसी डिस्प्ले में नीचे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो सही काम करता है, फास्ट भी है, रिलायबल भी है। अब परफॉर्मेंस और कैमरा जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आने से पहले थोड़ी सी रिफर्बिश्ड फोन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल काफी सारे लोग रिफर्बिश्ड फोन्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, और होना भी चाहिए। सिर्फ इंडिया में ही रिफर्बिश्ड फोन्स का मार्केट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 19% से ग्रो हुआ है, और इंडिया में रिफर्बिश्ड फोन्स के मार्केट को लीड करता है कैशिफाई। कैशिफाई के प्रोडक्ट्स 32 क्वालिटी चेक से पास होकर फिर अप्रूव होते हैं, और ये आपको 6 महीने की वारंटी भी देते हैं, और इनकी सर्विस भी इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। यहाँ पे फोन्स 3 कंडीशन में मिलते हैं, फेयर, गुड और सुपर, तो आप अपने बजट के हिसाब से कंडीशन चूज कर सकते हो, और 7 डेज की रिप्लेसमेंट और मल्टीपल EMI ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। और अगर आप मेरा कोड Tech1000 यूज करोगे तो आपको अप टू 1000 रुपीज का ऑफ भी मिलेगा, और इसके साथ साथ अगर आप UPI यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 3% डिस्काउंट मिलता है। ऑफलाइन लेना चाहो तो इनके स्टोर से ले लो, और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट भी है, तो अगर आप चेक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, अग्नि 2 की परफॉर्मेंस। इसमें डायमेंसिटी 7050 लगा हुआ है, 8GB की रैम है, 256GB की स्टोरेज है, तो नंबर्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन इस रेंज पे आने वाले स्नैपड्रैगन 695 से भी ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। अब नॉर्मल डे टू डे टास्क में तो फोन कहीं नहीं अटकता, बिल्कुल सही से काम करता है, लेकिन लावा ने कई जगह परफॉर्मेंस को फुल्ली यूज करने नहीं दिया। जैसे कि जब आप प्ले स्टोर में प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करते हो तो आपको कोई एनिमेशन नहीं दिखता, इवन जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो भी कोई एनिमेशन नहीं है, फोटो खींचोगे तो भी कोई एनिमेशन नहीं है, और भी कोई छोटी मोटी जगह होगी जहां पे ये एनिमेशन स्किप करता है, बट ओवरऑल ठीक है। और परफॉर्मेंस के टाइम पे सबसे ज्यादा जो मुझे दिक्कत आई है वो है पिक्चर इन पिक्चर के अंदर। जब आप YouTube पे 1080p वीडियो प्ले करके बैकग्राउंड में कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि UI थोड़ा लैगी फील होता है। अब आप कहोगे कि इस प्राइस रेंज पे आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस रेंज पे आने वाले OnePlus Nord CE3 Lite को देखो, उसका एनिमेशन इसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट फील होता है, और इसका प्रोसेसर इतना कमजोर नहीं है जिस तरह की मौत इसको आ रही है। अब ये स्पीड एनिमेशन की स्लो है या क्या है वो तो नहीं पता, बट इशू तो है। लेकिन अगर आप सिंपल यूजर हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, छोटा मोटा कॉन्टेंट देखते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरल परफॉर्मेंस के मामले में तो सॉलिड है, कोई इशू नहीं, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से गेम्स वेम्स भी अच्छे चलते हैं। Asphalt ट्राई किया मैंने, वो अच्छा चलता है, BGMI से भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है, डिसेंट परफॉर्मेंस लगी मुझे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस की तरह देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि
क्योंकि उसमें आईक्यू वगैरह बेटर रहेगा, बट स्टिल अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो प्योर गेमिंग के लिए तो एक बार इसके गेमिंग टेस्ट ढंग से देख लेना। लेकिन इस सबके साथ साथ एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं इसको नॉर्मली यूज कर रहा था और चलते चलते ये बंद हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। मतलब ये फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर रहा था लेकिन उसके बाद कम्प्लीटली स्क्रीन ब्लैक, और ये उसके बाद चला ही नहीं। और अगर आप भी किसी ऐसे इशू में फंसते हो तो ट्वीट बाद में कर लेना, पावर बटन को 20-30 सेकंड के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो फोन फोर्सफुली रिस्टार्ट हो जाता है, और ये भी रिस्टार्ट हो गया था। अब ये हुआ एक ही बार है लेकिन क्योंकि बताना जरूरी है तो मैंने बता दिया। और क्योंकि इसमें क्लीन एंड्रॉइड है तो आपको इसमें कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता, इस रेंज पे ये आपको क्लीनेस्ट एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है। लेकिन लावा ने कुछ जगह अपना टच दिया है, जैसे अगर आप अबाउट फोन में जाके देखोगे तो यहाँ अलग ही रंग बिरंगी बातें हो रही है। लेकिन यूआई में जो चीज बहुत इंप्रेसिव है वो है इसके हैप्टिक्स, और हैप्टिक्स की एप्लीकेशन इन्होंने काफी अच्छी की हुई है। यूआई में छोटी छोटी जगह पे हैप्टिक्स की इम्प्लीमेंटेशन की गई है, जैसे रीसेंट एप्स को स्क्रॉल करते टाइम, वॉल्यूम अप डाउन करते टाइम। ऑल्दो इम्प्लीमेंटेशन तो इतनी अच्छी है लेकिन इसके साथ भी सेम नथिंग फोन वाला सीन है। अब हैप्टिक्स है तो बहुत अच्छे, लेकिन टाइपिंग के टाइम पे ये टूंग टूंग की आवाज करते हैं, जो कि कुछ ऐसी साउंड करती है। इवन अगर आप फोन को साइलेंट पे भी रखते हो तो भी ये आवाज आती है, इसको ऑफ करने का कोई तरीका नहीं है। इस चीज से दिन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, रात को जब आप फोन यूज करते हो तो ये टुंग टुंग आपको तंग करेगी। अब ये साउंड मुझे पर्सनली बहुत अननेसेसरी लगती है। बाकी यूआई में छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे एज लाइटिंग, बैकग्राउंड स्ट्रीम, ऐप लॉक, डुअल एप्स फॉर व्हाट्सएप वगैरह भी मिलते हैं। इस सबसे हटके अगर हम अपडेट्स को देखें तो इसमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के क्वार्टरली सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। इसलिए जब आप फोन स्टार्ट करते हो तो इसमें 5 मार्च का सिक्योरिटी पैच है, क्योंकि 3 महीने बाद अपडेट आएगा, तो आई गेस जुलाई में आना चाहिए। और अगर आपके फोन के साथ 1 साल में कोई भी दिक्कत आती है तो ये डब्बे में आपको कागज देते हैं जिसपे नंबर बराबर लिखा हुआ है, उस पे फोन करो। उसके बाद इनके टेक्नीशियंस घर पे आएंगे, फोन को चेक करेंगे, और अगर उसमें सच में इशू होता है तो आपको एक नया फोन देके जाएंगे। और अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेना जरूरी है। और अगर जैसा ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है, सो इट्स अ बिग W फॉर लावा। अब हम इसके कैमरास पे आते हैं। अब दिखाने के लिए तो 4 लगे हुए हैं, एक 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मैक्रो। 2 मेगापिक्सल वाले दोनों को तो ऐसे ही निकाल दो, ऑफ कोर्स वो यूजलेस हैं। तो अब जो 2 मेन बच गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। मेन सेंसर को जब इनफ लाइट मिलती है तो ये अच्छी फोटोज खींच के देता है। आउटडोर में तो फोटोज के कलर्स और शार्पनेस वगैरह काफी बढ़िया दिखते हैं, लेकिन लाइट की कमी होते ही फोटोज की क्वालिटी थोड़ी डाउन तो होती है। एंड एट द सेम टाइम इसमें थोड़े फोकस इश्यूज भी हैं। कई बार फोटोज खींचने के बाद आपको दिखेगा कि फोटो में शेक आई है, फोटो थोड़ी ब्लरी है, आपको दोबारा खींचनी पड़ेगी। और ये चीज ऑब्जेक्ट्स में ही नहीं, ये चीज ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ भी होती है। जैसे इस फोटो में देखो, इसने बैकग्राउंड पे फोकस कर दिया जबकि पर्सन को इसने ब्लर कर दिया। बाकी इस सब के अलावा जब शॉट सही आता है तो वो जेन्युइनली काफी सही आता है। आउटडोर फोटोज तो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन दूसरा लेंस वाइड एंगल वाला 8 मेगापिक्सल का है तो वो फोटोज थोड़ी सॉफ्ट लेता है। वाइड एंगल वाली फोटोज में मेन के कंपैरिजन में डिटेल्स तो कम है और ये साफ दिखता भी है। जैसे इस फोटो में रोड का टेक्सचर देखो, डिटेल्स दिखाने को ज्यादा है ही नहीं। आप जितने चाहो उतने शॉट्स देख सकते हो, आपको सेम ही चीज दिखेगी। वैसे तो देखो इस रेंज पे वाइड एंगल ऐसे ही मिलते हैं, तो मैं कोई क्लियर शिकायत नहीं कर रहा, बस एक कमी दिखी है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पोर्ट्रेट मोड मेरे को इसका ठीक लगा है, एज डिटेक्शन वगैरह एकदम पॉइंट पे है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी कुछ शॉट्स मिस करता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्ट्रेट्स अच्छे ले लेता है। सेल्फीज की अगर मैं बात करूं तो 16 मेगापिक्सल के कैमरा से फोटोज आती अच्छी हैं, स्किन टोन बढ़िया है और सेल्फीज है भी थोड़ी सॉफ्ट साइड में, लेकिन इसमें डायनेमिक रेंज में दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज में बैकग्राउंड में डिटेल कंप्लीटली लॉस्ट है, पूरा वाइट वाइट कर देता है। इवन सेल्फी वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो फोटोज जैसी ही सिचुएशन है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर हम बैक कैमरा की वीडियो पे आए तो ये 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसमें EIS नहीं है। और 4K वाली फुटेज आपके सामने है, मैं बिल्कुल भी भाग नहीं रहा, नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ और फुटेज ऐसी दिखती है। लेकिन इसका EIS 2K पे काम करने लगता है तो 2K वाली वीडियो कुछ ऐसे दिखती है। और अगर इन दोनों के कंपैरिजन में 1080p को रख के देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। वीडियोस की क्वालिटी वगैरह मेरे को ठीक लगी है, अब अगर बराबर से लाइट मिलेगी तो क्वालिटी निकाल के दे देगा। और लावा को भी काफी हद तक आइडिया है कि वाइड एंगल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वाइड एंगल में आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी इसमें आपको नाइट मोड का ऑप्शन भी मिलता है, वो ठीक है, मतलब जब तक आप ऑब्जेक्ट्स की फोटो ले रहे हो तब तक तो ठीक है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स में पता नहीं क्यों नॉइस आ जाती है। आप खुद देख सकते हो नाइट परफॉर्मेंस कैसी है, फोटो
फोटोज थोड़ी नॉइजी तो हैं, लेकिन काफी हद तक काम चलाऊ है। मतलब कि सब्जेक्ट दिख जरूर जाएगा, लेकिन कैसा दिखेगा वो नहीं पता। लेकिन आज की डेट में मार्केट ऐसा हो गया है कि इस रेंज पे डे लाइट फोटोज अच्छी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, नाइट मोड तो थोड़ा दूर चली जाती है सिचुएशन। अब देखो, बोलने को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 20-22 हज़ार में ऐसी ही फोटोज आती है, सो जो है सो है। लेकिन मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि कैमरा में कमियां कहां है। जैसे अगर आप आउटडोर दिन में फोटोज खींचते हो तो बड़ी अच्छी आती है, यानी कि यूज केसेस देखो और फिर डिसाइड करो कि इस कैमरा की कौन सी कमी से मेरे को कितना फर्क पड़ेगा। अगर आप वाइड एंगल और नाइट मोड वगैरह यूज ही नहीं करते तो फिर आउटसाइड वाली फोटोज के लिए तो बहुत अच्छा कैमरा है। तो ऐसे कमियों को जज करके फिर आप कैमरा का डिसीजन बनाना। अब अगर हम कैमरा सेक्शन से मूव करके बैटरी पे आए तो इसमें एक 4700 mAh की बैटरी है जो की 66 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है और बैटरी एक दिन आराम से चलती है। बैटरी यूसेज के स्क्रीनशॉट्स भी आप देख सकते हो, स्क्रीन ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों मिला के फोन आराम से एक दिन चल रहा है। और अगर आप गेम वगैरह खेलोगे तब तो बैटरी ड्रेन होती है, लेकिन क्योंकि चार्जिंग फास्ट है तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने इनिशियली फोन को यूज करना शुरू किया था तब चार्जिंग के टाइम पे ये एसी में भी वार्निंग दे रहा था कि फोन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर ये चार्जिंग स्पीड को बीच बीच में कम कर देता था। तब इसने कंसिस्टेंटली फास्ट चार्ज नहीं किया। अब ये पैटर्न काफी हद तक सुधर गया और इसका चार्जिंग टाइम 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट इसके आसपास का है। 66 वॉट का चार्जर आपको डब्बे के अंदर मिलेगा तो वो कोई इशू नहीं है, सामान पूरा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी यूनिट 45 मिनट्स में फुल चार्ज हो रही है, सो आई एम अज्यूमिंग कि चार्जिंग परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ी इनकंसिस्टेंट है। अब हम कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं क्योंकि कॉल तो करनी है ना। तो कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है, कॉल्स वगैरह रैंडमली ड्रॉप नहीं होते। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत मुझे ये दिखी कि अगर आप वाईफाई से थोड़ा सा भी दूर जाते हो तो ये कनेक्शन लूज कर देता है। मेरे घर में जहां नॉर्मली 15,000 वाले फोन्स भी कनेक्टेड रहते हैं ये नहीं रहता। हाँ, सिम कार्ड कनेक्टिविटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया चलता है और मेरे एरिया में 5G अभी है नहीं तो मैं वो टेस्ट नहीं कर सका, बट बाकी रिव्यूअर्स के हिसाब से 5G अच्छा ही चल रहा है तो चल ही रहा होगा। ईयरपीस की वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है, सामने वाले की आवाज आपको बराबर सुनाई देती है। इसके बाद अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो इसमें एक सिंगल स्पीकर है, देखो स्टीरियो तो नहीं है लेकिन लाउडनेस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि खराब है, अच्छा स्पीकर है। अब स्टीरियो होता तो डेफिनेटली बेटर होता, लेकिन इसमें भी लाउड तो काफी है और मैक्सिमम वॉल्यूम पे आवाज ऐसे फटती भी नहीं। लेकिन मैंने इस रेंज पे आने वाले बाकी फोन्स के स्पीकर्स भी सुने हैं एंड दे आर अ लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, सो स्पीकर अच्छा है लेकिन इस रेंज में बेस्ट तो नहीं है। चलो, सिंगल सिंगल हार्डवेयर की बात तो हमने कर ली, अब हम चीजों को समराइज कर देते हैं। अब इस फोन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो हो गया इंडियन कंपनी है अच्छा काम किया है और दूसरा हो गया एक प्रोडक्ट की तरह एक फोन की तरह देख लेते हैं। अब अगर आप एक पेट्रियट की तरह देखते हैं तो देखो आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, आप जाके ले लो। लेकिन जो भी लोग फोन पे कंक्लूजन सुनना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो एक बात की बात है, लेकिन अभी के लिए ये फोन नॉर्मल यूजर्स के लिए मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। हाँ, अगर आप कैमरा सेंट्रिक या गेमिंग सेंट्रिक फोन्स देख रहे हो तो मार्केट में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। कैमरा वाले सेक्शन को आप देख के समझ ही सकते हो कि कैमरा में थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि इस प्राइस पॉइंट पे सब कुछ तो नहीं दे सकते ना, यानी कि अगर बाकी चीजें अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस तो होंगे। लेकिन फोन ओवरऑल अच्छा है, आप खरीद सकते हो। एक छोटा सा डिस्क्लेमर फिर भी मैं आपको देना चाहूंगा कि हमें नहीं पता लावा अपडेट्स कैसे देगी, बग्स को कैसे फिक्स करेगी या फिर इनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसे काम करेगी। लेकिन लावा के डिफेंस में एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि ये लोग फ्री रिप्लेसमेंट देके एटलीस्ट कुछ एक्शन तो ले रहे हैं, बाकी कंपनीज तो लोगों की सुन तक नहीं रही। फुल स्टोरी इज हियर, मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय बाय।